अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैरियत होंगे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आतिफ नसीम और यह है आपका यूट्यूब चैनल साइंस मेड सेंसिबल। आज के लेक्चर में हमने थोड़ी सी बात करनी है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पर, और उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की तरफ जाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर का ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया था, और उसमें हमने बात की थी कि इसी ग्राफिकल मेथड से हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन। कल का एग्जांपल लेते हैं। हमारे साथ दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ए इज स्केल्ड विथ 3 सेंटीमीटर और बी जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर। A was parallel to x-axis and B was making 60 degrees with x-axis. ये आपके previous lecture का वही example है जिसको हमने add किया था, लेकिन यहाँ पे हम इसे add नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसे subtract करेंगे। R is equal to A minus B. We have to find the resultant of the subtraction of both vectors. But as we know that subtraction is a special case of addition, so we can write it as a plus into minus b. So we can apply head to tail rule on this diagram, on this statement, but for that we have to find minus b first. What is minus b? Minus b is the negative vector of b, jiska magnitude to wahi hai lekin direction uski b ke opposite hai. To aap dekhe, vector a is this, vector b is given to us, and then we have found minus b. तो हमने क्या किया है, माइनस बी में हमने इस बी की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया है, मैग्नीट्यूड इसका वही है। सो वी हैव रिप्रेजेंटेड ऑल द वेक्टर्स ग्राफिकली, एंड नाउ द सेकंड स्टेप ऑफ हेड टू टेल रूल इज वी हैव टू अप्लाई द एक्चुअल हेड टू टेल रूल। सो लेट्स डू इट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। लेट्स फर्स्ट ड्रॉ ए। सबसे पहले ये हमने ए ड्रॉ किया, ए के हेड पे हमने माइनस बी ड्रॉ किया, ए के हेड पे हमने माइनस बी जो है वो ड्रॉ किया, और फिर ए का टेल और माइनस बी का हेड हमने ज्वाइन कर दिया, फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड हमने ज्वाइन कर दिया, एंड वी गॉट दिस रिजल्टेंट। और फिर इस रिजल्टेंट का हम रूलर के जरिए लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, और डी के जरिए हम इसकी एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने ग्राफिकल मेथड के जरिए ही हमने वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन इज आल्सो अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन। वी कैन सब्ट्रैक्ट अ वेक्टर बाय एडिंग द नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, हम किसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नए रूल्स निकालने की जरूरत नहीं है, हम उसी वेक्टर का नेगेटिव उसके साथ एड कर देते हैं। ठीक है, मतलब b को सब्ट्रैक्ट करना माइनस b को ऐड करने के सब्स्टिट्यूट में है, या उसके मुतरादिफ है, या ये उसका अल्टरनेट है। ठीक है, मतलब इसका ये है कि आप माइनस 3 को ऐड करें या 3 को माइनस करें, एक ही बात है। तो सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की तरफ, हमारे साथ मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं, जिसमें जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करने हैं। हमने इक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, नल वेक्टर्स, 2D वेक्टर्स, 3D वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ये कुछ वेक्टर्स हैं जो हम इस फर्स्ट ईयर के कोर्स में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लेते हैं इक्वल वेक्टर्स से। जिस तरह नाम से जाहिर है, इक्वल वेक्टर्स जो है, दो वेक्टर्स अगर हमारे साथ मौजूद हो ए और बी, और हम कहें कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि इन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो भी इक्वल हैं, और इन वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो भी आपके साथ इक्वल है। मतलब वेक्टर्स में तो दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर वेक्टर्स इक्वल है तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों इक्वल होंगी, डायरेक्शन ऑफ ए और डायरेक्शन ऑफ बी ये भी दोनों इक्वल होंगे, या फिर ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक है, तो अगर ये दो बातें मौजूद हो, देन वी कैन से दैट
बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल, लेकिन अगर इसमें कोई एक बात भी मिसिंग हो या दोनों बातें मिसिंग हो तो फिर वी कॉल इट अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स क्या है? या तो देखिए, हमें पता है कि वेक्टर्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पर। तो अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तब भी वो वेक्टर्स अनइक्वल होंगे, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन इक्वल नहीं है तब भी वो वेक्टर्स अनइक्वल होंगे, और अगर दोनों वेक्टर्स की ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है तब भी वो वेक्टर्स अनइक्वल होंगे। तो अनइक्वल वेक्टर्स की जो है तीन रीजंस हैं, या चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से वो अनइक्वल होंगे, या चेंज इन डायरेक्शन की वजह से वो अनइक्वल होंगे, और या फिर चेंज इन बोथ की वजह से वो अनइक्वल हो सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेगेटिव वेक्टर की तरफ। नेगेटिव वेक्टर जो है उसमें अगर आप सोचे तो थोड़ी सी इक्वलिटी भी उसमें शामिल है और थोड़ी सी अनइक्वलिटी भी उसमें शामिल है। नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो तो आपके साथ उसी वेक्टर के इक्वल हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो उसी वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट हो। ये आपने रियल नंबर्स में भी डिस्कस किया है। अगर आपसे कोई पूछे कि 3 का नेगेटिव क्या है तो आप कहते हो -3, अगर आपसे कोई पूछे -10 का नेगेटिव क्या है तो आप कहते हो 10। ठीक है, आप उसके साइन को चेंज कर देते हो, लेकिन यहां पर वेक्टर्स में साइन को चेंज करने का मतलब डायरेक्शन को चेंज करना है, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर्स में ही डिस्कस कर लिया था कि यहां पे साइन का मतलब आपके साथ डायरेक्शन है। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स की जुबान में एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, इस नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को। मतलब आपसे कोई पूछे 10 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो आप कहते हो -10, आपसे कोई पूछे -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो आप कहते हो 3। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस करके हम जीरो रिजल्ट फाइंड कर सके, ऐसे दो नंबर्स को हम एडिटिव इनवर्सेस कहते हैं, या ऐसे दो नंबर्स को हम नेगेटिव ऑफ ईच अदर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे साथ दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो आपके साथ सेम है और उन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो आपके साथ बिल्कुल अपोजिट है, मतलब वो वेक्टर्स आपके साथ एंटी पैरेलल है, तो फिर आप कहोगे कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव है, और आप b इज इक्वल टू -a भी लिख सकते हो और a इज इक्वल टू -b भी लिख सकते हो, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेक्टर a लेट सपोज ले रहे हैं 10 meter i यूनिट वेक्टर, मतलब ये एक वेक्टर है, एक फोर्स है जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को पैरेलल है, और ये वेक्टर b 10 newton माइनस i यूनिट वेक्टर, तो ये नेगेटिव x एक्सिस को पैरेलल है। अच्छा, या फिर ले वेक्टर a इज इक्वल टू 30 meters 0 degrees, तो ये x एक्सिस के साथ 0 degrees बना रहा है, और वेक्टर b है 30 meter 180 degrees, ये x एक्सिस के साथ 180 degrees बना रहा है, तो ये दोनों वेक्टर्स यहां पर भी a और b एक दूसरे के नेगेटिव है, यहां पर भी a और b एक दूसरे के नेगेटिव है, क्योंकि आप देख ले इनका मैग्नीट्यूड जो है वो आपके साथ इक्वल है और डायरेक्शन इनकी बिल्कुल अपोजिट है। यहां पे एक बात मुझे बताएं कि अगर हम ऐसे वेक्टर्स को जो एक दूसरे के नेगेटिव हो अगर हम उन्हें ऐड कर दें तो हमारे साथ क्या रिजल्ट आ सकता है? जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि एडिटिव इनवर्स की हमने बात की थी कि जब भी हम ऐसे दो नंबर्स ऐड करें कि वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो, वो एक दूसरे के नेगेटिव हो, तो हमारे साथ जीरो रिजल्ट आता है। तो इसी तरह वेक्टर्स में भी अगर हम नेगेटिव वेक्टर्स को आपस में ऐड करें या हम एडिटिव इनवर्सेस को आपस में ऐड करें, एक वेक्टर को हम उसके एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड कर दें, तो तब भी हमारे साथ जो है वो एक ऐसा वेक्टर आना चाहिए जो आपके साथ रियल नंबर्स में जीरो का अल्टरनेट हो, और उस वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं, और उसको हम जीरो से उसके ऊपर एक एरो हेड लगा देते हैं, इस तरह हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो व्हेनेवर अ वेक्टर इज एडेड विथ इट्स नेगेटिव और whenever a vector is added with its inverse,
द रिजल्टेंट इज अ नल वेक्टर। आप सिर्फ जीरो नहीं लगा सकते यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको याद हो हमने कहा था कि द एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप सिर्फ जीरो नहीं लगा सकते, आपने साथ में एरो हेड भी लगाना है ताकि ये बात इंश्योर हो सके कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आते हैं और इस नल वेक्टर को डिफाइन करते हैं। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपके साथ जीरो हो और जिसकी डायरेक्शन आपके साथ अननोन हो, जिसकी डायरेक्शन का आपको कोई पता नहीं है, या जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो या जनरल हो या अननोन हो, या जिसकी डायरेक्शन के बारे में हम कंफ्यूज्ड हो, वी डोंट नो कि वो किस डायरेक्शन में है, तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं नल वेक्टर या एम्प्टी वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जीरो के साइन के ऊपर एक जो है वेक्टर लगा देते हैं, डायरेक्टेड एरोहेड लगा देते हैं। और हमेशा याद रखें कि वी कैन गेट नल वेक्टर, वी कैन ऑब्टेन नल वेक्टर व्हेनेवर अ वेक्टर इज एडेड टू इट्स नेगेटिव। व्हेन अ वेक्टर इज एडेड टू इट्स नेगेटिव वी गेट अ नल वेक्टर। ठीक है, आपके साथ लेट सपोज एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है माइनस ए, और ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हैं, तो अगर आप इन दोनों वेक्टर्स को आपस में प्लस करोगे तो आपके साथ रिजल्ट हमेशा नल वेक्टर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने जो है वो चार टाइप्स पढ़ लिए हैं, फर्दर टाइप्स को नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है एलेबोरेट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, खुश रहें, थैंक यू स्टूडेंट्स।